के बारे में बता दे। तो हम लोग अभी हजारीबाग के म्यूजियम में आए हैं, आर्ट गैलरी में आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक मैम मिली, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे ये सब जो आर्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे लोग आर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिखाया जाता है आर्ट, तो ये किस बेसिस पे सिखाया जाता है और क्यों, और इसका वैल्यू क्या है, और ये कौन सा आर्ट है? जैसा हम लोगों को स्कूलों में ऐसा टाइप का आर्ट नहीं सिखाया जाता। और आप देख सकते हो ये पेपर नॉर्मल पेपर से अलग है, और आप देख सकते हो ये मिट्टी का बना हुआ कलर है, और उसी से कलर किया जाता है। तो अभी मैम और बच्चों से पूछेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है, और आप क्यों कर रहे हो, और कैसे जाने इसके बारे में। तो बेसिकली मैम, थोड़ा आप इसको एलिब्रेट कर दीजिए, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, ताकि और लोग जान पाए और झारखंड के बारे में जान पाए कि इनका कल्चर क्या होता है, और पुराने जमाने में कैसे घर ये जो आर्ट है उसको कहाँ पे यूज में लाया जाता था, और बाकी चीजें आप थोड़ा बहुत। जोहार, मेरा नाम अलका इमाम है और मैं सुराई समिति की मैं अध्यक्ष हूँ नेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ सुराई आर्ट के बारे में, क्योंकि ये सुराई जो पेंटिंग है और कोबर पेंटिंग है हमारे स्टेट आर्ट है, ट्रेडिशनल और फोक आर्ट है। और ये चूंकि ट्रेडिशनल आर्ट है तो ये हमारे हजारीबाग, स्पेशली हजारीबाग के गाँव में करीब 12-13 गाँव में ये आर्ट देखने के लिए मिलता है। और जो सुराई है वो पेंटेड आर्ट है और ये दिवाली के अवसर पर बनाया जाता है, जिसे गांव की महिलाएं मिट्टी के प्राकृतिक रंगों से करती हैं। तो सुराई पेंटिंग में स्पेशली कलर्स का, मिट्टी के कलर्स का, रंगों का बहुत ही महत्व है और ये सिर्फ 4 रंगों की मिट्टी से ही बनाया जाता है। और रहा बात ये आर्ट के बारे में, तो हमारा जो ये संस्कृति म्यूजियम है, हम लोग 1991 में बुल्लू मैम के द्वारा, पद्मश्री बुल्लू मैम के द्वारा इस आर्ट का डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद उनका हम लोग उनकी पीढ़ी हैं और हम लोग इस आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने में और इसका प्रमोशन करने में कंटिन्यू लगे हैं करीब 30 साल से। और ये हम लोगों का 30 साल का मतलब योगदान या मेहनत कहिए, जो भी कहिए। तो लास्ट ईयर 2020 में 11 मई 2020 को भारत सरकार ने अंततः इस कला को, सुराई पेंटिंग और कोबर पेंटिंग को, जीआई टैग दिया। तो ये भी एक झारखंड का ये पहला जीआई था। तो ये ना सिर्फ हजारीबाग बल्कि पूरे झारखंड के लिए बहुत गर्व का बात था, क्योंकि ये जो सुराई पेंटिंग है ये हमारे राज्य का संस्कृति है, पुराना परंपरा है, कल्चर है। तो ये ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन हम लोगों के तक पहुंचा है। तो ये हम लोग वर्तमान जो पीढ़ी है, हम लोग को ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोग कैसे इस आर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व करके रह सके, इसको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि गांव में अक्सर अब मिट्टी के घर है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, लोग पक्के के घर बना रहे हैं। तो ये परंपरा जो चेंज हो रहा है इसके साथ हमारा कल्चर है वो भी खत्म होते जा रहा है, क्योंकि ये तो मिट्टी के रंगों से बनता है, मिट्टी की दीवारों पर ये पेंटिंग होता है। तो पक्का का घर बन जाने के बाद लोगों का रुझान इसके प्रति थोड़ा कम होता चला जा रहा है। तो हम लोग इस आर्ट को, विशेषकर गांव में इस आर्ट को हम लोग उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं। जो ग्रामीण महिलाएं इस आर्ट को करती हैं उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं कि आप लोग इस कला को मतलब नष्ट मत होने दीजिए और अपने घरों की दीवारों पर उसको जीवित रखिए। और इसी क्रम में हम लोग नया पीढ़ी को भी हम लोग इस आर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक नया पीढ़ी इस आर्ट के बारे में अगर उसका वैल्यू नहीं समझेंगे, उसके इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, इसका महत्व नहीं जानेंगे, तो ये आर्ट तो अपने आप एक दिन फिर नष्ट हो जाएगा। तो नया पीढ़ी को इसके इस कल्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और सिर्फ जानना ही नहीं बल्कि इसका वैल्यू, इसका इम्पोर्टेंट सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। अपनी संस्कृति को बचाना हम लोगों का सबसे पहला और दायित्व है। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पर इस संस्कृति सेंटर में हमने नया पीढ़ी को, बल्कि हर किसी के लिए ओपन है, यहाँ पर बच्चे लोग आकर, हर आयु के लोग, हर वर्ग के लोग आकर यहाँ पर हम लोगों के कल्चर के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, इसका महत्व को समझते हैं। सुराई है क्या, ये कौन लोग इसको बनाते हैं, इसका वैल्यू क्या है, और इतना ही नहीं, इस कला के बारे में जानकर इसको लोग अपना रोजगार भी, इसमें रोजगार के भी काफी अवसर है, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग का फील्ड हो,
या टेक्सटाइल का फील्ड हो या कल्चर का फील्ड हो या ऐसा बहुत सा सब्जेक्ट है जिसमें कि आर्ट को डिजाइनिंग हुआ, तो स्टूडेंट जो नए पीढ़ी है इसको सीख कर वो अपने इसमें अपना रोजगार में इसको अपना खर्च कर सकते हैं इस आर्ट को लेकर। मतलब उसके काफी सारे ऑप्शंस हैं, इस आर्ट को सीखने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इट्स में भी आने वाले इन फ्यूचर में ये स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये कंपलसरी एक सब्जेक्ट बन जाएगा, तो डेफिनेटली एडुकेशन के क्षेत्र में भी इस आर्ट का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे फाइन आर्ट को स्कूल में सिखाया जाता है, तो इस तरह ही हम लोग का फोक आर्ट है, अगर इसको हम लोगों के स्कूल कॉलेज में अगर ये कंपलसरी सब्जेक्ट बन जा रहा तो वहाँ पे जो स्टूडेंट अभी सीख रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस आर्ट सिर्फ एक कला है, इस आर्ट को सीख कर हम लोग अपने संस्कृति से मतलब संस्कृति के बारे में जान सकते हैं कि हमारा जो झारखंड राज्य है वो कितना धरोहर, मैंने हम लोग कितने धनी राज्य है जहाँ पे इतना सुंदर संस्कृति है, और इस संस्कृति ने कितने बार, ये कला ने कितने बार हमारे झारखंड राज्य का मान सम्मान को बढ़ाया है। इस आर्ट को पद्मश्री मिला है, इस आर्ट को GI टैग मिला है और नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पर इस आर्ट ने अनेकों बार हम लोगों को मतलब प्राइड महसूस कराया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि नया पीढ़ी लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, इसका इसके इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को वापस आ रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा पहल है कि इस नया पीढ़ी इसको अब वैल्यू देने लगे हैं। थैंक यू मैम। तो अब हम यहाँ के स्टूडेंटों से थोड़ा पूछते हैं कि इनको क्या अभी तक इन्होंने क्या सीखा और ये यहाँ पे सीख के इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है और कैसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि अपने कल्चर को जान के, अपने संस्कृति को जान के इनको कैसा लग रहा है। और आप देख सकते हो ये जो कलर है ये सारे मिट्टी के कलर हैं, इसमें कुछ आप ये बता सकते हो कि इसको कैसे बनाते हो कलर? तो हम लोग हमको इस क्लास के बारे में पता चला तो यहाँ पर अलका मैम बताए कि यहाँ पर 10 डेज का क्लासेस चलता है सोहराय का, और इन्होंने मुझे सोहराय में जितने तरह के फॉर्म्स हैं 10 फॉर्म्स है उन्होंने मेरे को हर दिन एक फॉर्म्स बताए कि कितने ट्राइब्स होते हैं, वो ट्राइब्स कैसे कैसे पेंटिंग्स बनाते हैं और फिर उन और वो पेंटिंग्स का मतलब क्या है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी ट्राइब्स के बारे और बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझे कलर्स के बारे भी बताया कि कलर्स का ट्रू वैल्यू क्या है, क्योंकि हम सोहराय में कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हम कुछ उसमें मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे ऑथेंटिक वे में बताया कि कैसे सोहराय पेंटिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है हम लोग को सीखना, क्योंकि हम अगर झारखंड में रह करके अगर अपने अपने कला को नहीं जानते तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इसीलिए अगर हम अगर 10 दिन भी अगर नहीं है तो अगर हम 5 दिन में भी अगर अपने कला के बारे में कुछ भी सीख लिए तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और हमें ये सब ये सीखना चाहिए। आप लोग भी कुछ बताओ कि आपने अभी तक क्या सीखा और आपके कितने दिन हुए यहाँ पे सीखने हुए? ये जो हम कर रहे हैं ये उराव ट्राइब का सोहराय पेंटिंग है और हम यहाँ पे 2-1 वीक से आ रहे हैं। हाँ, तो हमने उराव ट्राइब में पहले सीखा कि हम लोग पहले कैसे पेपर में बन्ना काटते हैं उसके बाद फिर हम लोग पेंटिंग करते हैं। बन्ना भी हम जो काटते हैं वो दूधी मिट्टी से काटते हैं, उसका भी एक फॉर्म होता है काटने का, हाथ से करते हैं ऐसे करते। ये देखिए किया हुआ है हम लोग का, हम लोग किए हुए हैं, इसको हम लोग हाथ से काटते हैं और इसके बाद इसके ऊपर में बनाते हैं। और ये पेज क्या कौन सा पेज रहता है, जो नॉर्मल A4 शीट है? ये हैंडमेड पेपर इसको कहते हैं। और हम लोग जैसे ना हम मेरी दादी है वो ट्राइबल है, वो उराव ट्राइब से, तो हम भी ट्राइबल है, मतलब हम मेरी दादी ट्राइबल, तो हमको लगा कि ये मेरे फैमिली में है तो हमको भी अपने ट्राइब के से कुछ सीखना चाहिए कि पुराने एंसेस्टर्स लोग पेंटिंग बनाते थे, तो मुझे लगा कि अगर हम भी सीख गए तो हम ये पेंटिंग को फिर से जिंदा कर सकते हैं, इसीलिए हम ये पेंटिंग सीख रहे हैं। और मेरा तो मेन वजह था कि हम भी उराव ट्राइब से बिलोंग करते हैं और जैसे कि अभी ये कल्चर थोड़ा सा लुप्त होते जा रहा है, लोग उतना जानता नहीं है, तो मेरा खुद का इच्छा था कि ये मतलब मेरे पुराने पूर्वज लोग तो करते ही आ रहे हैं, तो हम भी चाहते थे कि ये आगे फॉरवर्ड जनरेशन तक जाते रहे, इसीलिए हम सीख रहे ताकि आगे जनरेशन भी इसको मतलब जाने इसके बारे में, ये लुप्त कभी ना हो। और क्या आपने कलर बनाना सीख लिया कि कौन से मिट्टी और कैसे इसको बनाया जाता है?
ये आप देख सकते हो। चूंकि सुराई, जैसे कि स्टूडेंट ने भी बताया कि चूंकि सुराई पेंटिंग में कलर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम जब शहर की ओर जाते हैं तो शहर में हम लोग देखते हैं कि शहर की दीवारों पर कि सुराई पेंटिंग्स को अनेक प्रकार के रंगों से बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही मान्य नहीं है। तो सुराई पेंटिंग में चार रंगों की मिट्टी से ही बनता है, और हम लोग इतने धनी हैं कि हमारे झारखंड राज्य में ये चार प्रकार की मिट्टी हम लोग पाते हैं। तो इसमें पहला रंग जो होता है काली मिट्टी, जो आप देख सकते हो, ये रॉ में इस तरह से मिलता है जंगल में, पहाड़ में, और इस तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग कलर्स के होते हैं। और फिर इसको हम लोग इस तरह से डस्ट करते हैं, उसको पीस के चाल कर इस तरह से, ये कोयला नहीं है, ये काली मिट्टी है, जो कि सुराई पेंटिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें जो सुराई पेंटिंग में आउटलाइनिंग का काफी इम्पोर्टेंस होता है, तो आउटलाइनिंग हम लोग इसे काली मिट्टी से करते हैं। फिर दूसरा इम्पोर्टेंट मिट्टी है दूधी मिट्टी, क्ले मिल्की, तो ये रॉ में इस तरह से मिलता है, और इसको भी सेम हम लोग इस तरह से डस्ट करके चाल करके ये दूधी मिट्टी तैयार करते हैं। ये काम आता है पेपर रंगने में, जैसे ये पेपर को इस दूधी मिट्टी से रंगा गया है, इसमें बाइंडिंग के लिए हम लोग पेपर ग्लू मिलाते हैं। अब तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट मिट्टी होता है लाल मिट्टी, क्योंकि ये आयरन ओर है, हेमेटाइट, रेड हेमेटाइट, ये रॉ में इस तरह से होता है, और डस्ट करने पर ही ऑक्साइड इस तरह से बन जाता है, ये कलर फिलअप में काम आता है लाल, और उससे ये पीला मिट्टी, तो ये पीला मिट्टी इस तरह से ऑक्साइड है और हेमेटाइट है, पत्थर के रूप में इस तरह से मिलता है। तो क्या ये मार्केट में मिलता है या हमें इसको ढूंढ के लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका यूज कर पाएंगे? क्योंकि ये मिट्टी जो है आपका, ये तीन जो दूधी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ये मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं आजकल, हो रहे हैं, पहले तो नहीं होते थे, बट ये जो काला मिट्टी है ये बहुत रेयर है, तो ये तो किसी भी झारखंड के किसी भी शॉप में, मार्केट में ये आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग को जंगल पहाड़ जाना पड़ता है, वहां से फिर हम लोग कलेक्ट करके लाकर इसको काफी लंबा प्रोसेस के बाद हम लोग रंग तैयार करते हैं। तो ये गांव में भी इसी तरह सेम होता है, जो गांव की जो हमारी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है जो ये करती है, तो गांव में ये मिट्टी अवेलेबल हो जाते हैं, तो लोग अपने सीमित साधन से इस कला को, अपने संस्कृति को अपने घरों की मिट्टी के दीवारों पे बनाते हैं, ताकि ये परंपरा कायम रहे, और ये झारखंड की मिट्टी है, तो ये कला बिल्कुल हम लोग